अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं इमरान यूसुफ, अनलाइज अब जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में खबर यह है कि पीटीआई का खसूसी पार्लियामानी कमेटी के इजलास से अलग रहने का ऐलान। 26वीं आइनी तरमीम पर पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाले अराकीन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वोट देने वाले अराकीन पार्लियामानी की बुनियादी जमात रुकनीत की मनसूखी समेत उनके खिलाफ हतमी तादीबी कार्रवाई पर इत्तफाक। शोकाज नोटिस के जवाबात की रोशनी में उनके आइंदा के मुस्तकबिल का तायुन किया जाएगा। पीटीआई की सियासी कमेटी के इजलास के अलामिया जारी कर दिया गया है। पीटीआई का खसूसी पार्लियामानी कमेटी के इजलास से अलग रहने का ऐलान। 26वीं आइनी तरमीम पर पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाले अराकीन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया। वोट देने वाले अराकीन पार्लियामान की बुनियादी जमाती रुकनीत की मनसूखी समेत उनके खिलाफ हतमी तादीबी कार्रवाई पर इत्तफाक किया गया है। शोकाज नोटिस के जवाबात की रोशनी में उनके आइंदा के मुस्तकबिल का तायुन भी किया जाएगा। आम खबर आपको देंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के दौरे बरतानिया का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। नवाज शरीफ जुमे को लाहौर से दुबई रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक लंदन में दो दिन क्याम के बाद मंगल को अमरीका रवाना हो जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज नवंबर के पहले हफ्ते में लंदन पहुंचेंगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के दौरे बरतानिया का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। नवाज शरीफ जुमे को लाहौर से दुबई रवाना होंगे, जबकि लंदन में दो दिन के आम के बाद मंगल को अमरीका रवाना हो जाएंगे। दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज नवंबर के पहले हफ्ते में लंदन पहुँचेंगी। अब आपको बताते चलें कि चीफ जस्टिस की तकरीर के लिए पार्लियामानी कमेटी की तश्कील मुकम्मल। नून लीग की जानिब से सैनिटर आजम नजीर तारर, पीपल्स पार्टी की जानिब से सैनिटर फारूक एच नायक नामजद किए गए हैं। पीटीआई ने सैनिटर अली जफर और जेयूआई ने सैनिटर कामरान मुर्तजा को नामजद कर दिया। चेयरमैन सैनेट ने कमेटी के लिए चार सैनिटर्स के नाम स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दिए। कौमी असम्बली से नून लीग के ख्वाजा आसिफ, अहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज मलिक नामजद की गई हैं। पीपल्स पार्टी ने राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर के नाम भिजवाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से बैरिस्टर गोहर और साहबजादा हामिद रजा नामजद किए गए। एमक्यूएम की जानिब से राणा इंसान को नामजद किया गया है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की अराकीन के नामजद नाम वसूल नोटिफिकेशन जारी। कमेटी का ऐलान आज शाम 4 बजे किया जाएगा, पार्लियामेंट हाउस में होगा। टीओआर तय किए जाएंगे। वजारत कानून के 3 सीनियर जजिस का पैनल तलब किया जाएगा। कमेटी जजिस के पैनल में से चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इंतखाब अमल में लाएगी। चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए पार्लियामानी कमेटी की तश्कील मुकम्मल हो चुकी है। नोली की जानिब से सैनिटर आजम नजीर तारण, पीपल्स पार्टी की जानिब से सैनिटर फारूक एच नायक नामजद, पीटीआई ने सैनिटर अली जफर और जेयूआई ने सैनिटर कामरान मुर्तजा को नामजद कर दिया। चेयरमैन सेनेट ने कमेटी के लिए 4 सैनिटर्स के नाम स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दिए हैं। कौमी असम्बली से नूली के ख्वाजा आसिफ, हसन इकबाल, शाइस्ता परवेज मलिक नामजद की गई हैं। आईनी तरमीम की गूंज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। आईनी बेंच से मुस्तकिल अदालत उज़्मा के 2 जजेस के दिलचस्प रिमार्क सामने आ गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है, लगता है कि अब यह सवाल हर रोज उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच सुनेगा। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। 26वीं आईनी तरामीम के तहत आईनी बेंच का क्याम, कौन से मुकदमात किस बेंच के सामने जाएंगे, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक के दिलचस्प रिमार्क्स। मुसाबकती कमीशन से मुतालिक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए सवाल किया कि क्या ये केस अब आईनी बेंच में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं। वकील फरूक नसीम ने कहा, सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने फरूक नसीम को मुखातिब करके रिमार्क्स दिए कि चले जी अब आप जाने और आपके आईनी बेंच जाने। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, 3 हफ्तों तक केस की समाअत मुलतवी कर रहे हैं, जब तक सूरत हाल वाजे हो जाएगी वैसे भी हमें खुद समझने में कुछ वक्त लगेगा। रहनुमा मुस्लिम नून बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि हुकूमत अपनी मर्जी के जजेस नहीं लगा रही। जजेस की तैनाती के लिए पूरा मैकेनिज्म बनाया गया है। जजेस फैसले आईन कानून के मुताबिक करेंगे। जजेस को सियासत में मुलविस नहीं करना चाहिए। उन्होंने प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगु करते हुए मजीद ये भी कहा कि तरीके इंसाफ ने जजेस की सियासत में मुलविस होने की कोशिश की है। अगर मौलाना माइंड चेंज करते तो हमारे पास 8 से 10 अरकान मौजूद थे। इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर होना चाहिए। हुकूमत कोई अपनी मर्जी के हैंड पिक जजेस नहीं लगा रही। ऑफ कोर्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनने हैं वो इन्हीं जजेस में से जो एग्जिस्टिंग है सुप्रीम कोर्ट के उनमें से भी हैं, और नई की भी अपॉइंटमेंट हो सकती है, होनी भी है। यहाँ पे डिलिब्रेशंस होनी है।
यहाँ पे अपॉइंटमेंट का एक पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है, 12 की टीम है, वो चीफ जस्टिस की हद तक है, एंड देन ऑफ कोर्स ऑपोजिशन और जो हुकूमत के नंबर्स हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती होनी है 175A में, उसमें पूरा एक मैकेनिज्म दिया गया है जिसमें चीफ जस्टिस साहब पीटीआई स्टैंड इफ ही देन ऑब्वियसली आउट ऑफ ऑल दीज इवेंट्स टर्न्स आउट टू बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस पाकिस्तान, बिकॉज वो कंसिडर हो रहे हैं, ये नहीं है कि वो कंसिडर नहीं हो रहे विद इन दिस स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी मेहर, ये मैं आपको बता सकता हूँ कि दे विल हैव टू एक्चुअली प्रोवाइड रीजनिंग, और इन्होंने पूरे उनकी फिटनेस, उनके लीगल एक्यूमेंट, उनकी लीगल विजडम, उनके एक्सपीरियंस, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, उनकी ओवरऑल रेपुटेशन एंड जनरल जो उनके डिसीजंस हैं, ये तमाम तर चीज़ें डिस्कस होनी है। आलमी मंजरनामे से खबर आपको दें कि अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की बाइडन इंतजामिया पर शदीद तनकीद, अमरीकी सदर की खारजा पॉलिसी नाकाम हो चुकी, बाइडन एक नाकाम सदर हैं, ट्रंप की जानिब से यह कहा गया अगर मैं सदर होता तो गजा जंग शुरू ही ना होती। उन्होंने कहा कि अगर दोबारा सदर बना तो खत्े में अमन की बहाली के लिए काम करूंगा। अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की बाइडन इंतजामिया पर शदीद तनकीद सामने आ गई, अमरीकी सदर की खारजा पॉलिसी नाकाम हो चुकी है, बाइडन एक नाकाम सदर है, ट्रंप ने कहा कि अगर मैं सदर होता तो गजा जंग शुरू ही ना होती, अगर दोबारा सदर बना तो खत्े में अमन की बहाली के लिए काम करूँगा। इसराइल का शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर मिसाइल हमला हुआ, दो शहरी जांबहक मुतअद्दद जख्मी हो गए, जख्मियों में बच्चे और ख्वातीन भी शामिल हैं। इसराइली हमलों में मुतअद्दद इमारतें और गाड़ियों को तबाह कर दिया गया है। इसराइल का शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर मिसाइल हमला, तीन शहरी जांबहक हो गए, मुतअद्दद शदीद जख्मी हुए, जख्मियों में बच्चे और ख्वातीन भी शामिल, इसराइली हमलों में मुतअद्दद इमारतें और गाड़ियाँ तबाह हो गईं। इसराइल का शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर मिसाइल हमला हुआ। अमरीका इराक़ की तकसीम में खुलकर सामने आ गया, क्या अमरीका इराक से अमरीकी फोर्सेस के इनखला से पहले इराक की तकसीम चाहता है, सवाल उठ गए। जनूबी इराक में जल्द कुर्द रियासत कायम होनी चाहिए, इराक में तमाम कुर्द ग्रुपों को अपनी आज़ाद रियासत के क्याम के लिए मुतहद होना चाहिए, तमाम कुर्द सियासी पार्टियाँ बाहमी बातचीत से बगैर ताखिर के आइंदा इलेक्शन में अपनी नुमाइंदा हुकूमत का इंतखाब करें। अमरीकी वजारत खारजा के नायब तर्जमान विदांत पटेल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान इराक में कुर्दिस्तान रियासत की हामी कुव्वतों से अपील की गई है। अमरीका इराक की तकसीम में खुलकर सामने आ गया, क्या अमरीका इराक से अमरीकी फोर्सेस के इंखला से पहले इराक की तकसीम चाहता है, सवाल उठ गए। जनूबी इराक में जल्द कुर्द रियासत कायम होनी चाहिए, इराक में तमाम कुर्द ग्रुपों को अपनी आज़ाद रियासत के क़याम के लिए मुतहद होना चाहिए, तमाम कुर्द सियासी पार्टियाँ बाहमी बातचीत से ताखिर के आइंदा इलेक्शन में अपनी नुमाइंदा हुकूमत का इंतखाब करें। अमरीकी वजारत खारजा के नायब तर्जमान विदांत पटेल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अमेरिका का यूक्रेन के खिलाफ रूस की कामयाबी का एतराफ़, अमेरिकी वज़ीर दिफा ने यूक्रेन के खिलाफ रूसी जंग को ड्रावना ख्वाब करार दे दिया। लॉयड ऑस्टिन की यूक्रेनी दारुल हुकूमत में सफारती अकेडमी में बातचीत में कहा कि अमेरिका संगीन कशीदगी के बावजूद यूक्रेन की मदद जारी रखेगा, अमेरिका यूक्रेन का $400 का मजीद गोला बारूद और हथियार देगा। यूक्रेन में रूस की कामयाबी यूरोप पर रूसी फतह होगी, अमेरिका में अगर आइंदा हुकूमत डोनाल्ड ट्रंप की आई तो यूक्रेन अमेरिकी हिमायत खो देगा, अमेरिकी वज़ीर दिफा की जानिब से कहा गया। अमेरिका का यूक्रेन के खिलाफ रूस की कामयाबी का एतराफ़, अमेरिकी वज़ीर दिफा ने यूक्रेन के खिलाफ रूसी जंग को डरावना ख्वाब करार दे दिया। लॉयड ऑस्टिन की यूक्रेनी दारुल हुकूमत में सफारती अकेडमी में बातचीत, उन्होंने कहा कि अमेरिका संगीन कशीदगी के बावजूद यूक्रेन की मदद जारी रखेगा, अमेरिका यूक्रेन को $400 का मजीद गोला बारूद और हथियार देगा, यूक्रेन में रूस की कामयाबी यूरोप पर रूसी फतह होगी, अमेरिका में आइंदा हुकूमत डोनाल्ड ट्रंप की आई तो यूक्रेन अमेरिकी हिमायत खो देगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सीनियर वकील रहनुमा हामिद खान ने आईनी तरमीम के खिलाफ वकला तहरीक का ऐलान कर दिया। हामिद खान एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक चलाने के लिए नेशनल एक्शन कमेटी बनाने की तजवीज़ देती है, मुल्क भर में वकला को कॉल करेंगे, वकला 25 अक्टूबर को मुल्क में योम निजात मनाएंगे। हम वकला इस आईनी तरमीम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं, हम एक नेशनल एक्शन कमेटी बना रहे हैं और हम फाइनलाइज जल्द करके इंशाल्लाह उनकी मीटिंग कॉल करके एक सारे पाकिस्तान में कॉल देंगे
कि हमने ये मूवमेंट कैसे आगे लेके जानी है। हम ये भी अपील करेंगे आप सारे वकला से 25 तारीख को मौसूफ यहाँ से रुखसत हो रहे हैं। वो दिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान में वकला यौम निजात के तौर पर मनाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने यह कहा है कि आईनी तरमीम का मामला पार्लिमानी नह पार्टी नहीं मुल्क व कौम का है। आप मजीद कब्जा करके इंसाफ को यरगमाल बना लेंगे। हुकूमतें गलत काम करती हैं, गले उनके ही पड़ता है। हम कानूनी नजरसानी पर गौर कर रहे हैं। हम एहतजाज और वकला से मशवरा करके अदालती कार्रवाई का कदम उठाएंगे। मसला किसी पार्टी का नहीं है, किसी मेंबर असम्बली का नहीं है, ये मुल्क और कौम का मामला है, ये अदालत का मामला है। हमें मालूम है कि अदालत में वैसे भी कौन सा लोगों को पूरा इंसाफ मिल रहा है, लेकिन आप मजीद अगर कब्जा कर लेंगे तो मजीद जो है वो इंसाफ को यरगमाल बना लेंगे। और ये काम किया है हुकूमत ने, वो अलग बात है कि हुकूमतें एक काम करती हैं और फिर गले उनके ही पड़ता है, लेकिन अभी ये मसला नहीं है। अभी तो ये है कि आपने गलत काम किया और उसको गलत कहा जाएगा और उसके खिलाफ जो भी एहतजाज हो सकता है और अदालती कार्रवाई हो सकती है वो इंशाअल्लाह ताला हम मशवरा करके अपने वकला से कोई कदम उठाएंगे।